हमारे केंद्र पे समाचार महाराज तुम्हारे जनकपुरी के सब अच्छे शुभ समाचार है। आपकी रैयत प्रजा सब चैन की सांस ले रही है और राजेश भैया जी की ओर से 10 रुपया का पुरस्कार चलती हुई शील पे आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अति पावन दिन है, माता गौरी का पूजन है, इसलिए कहते हैं हमारी माता को बुलाओ ताकि कुछ भैया हमारे भगियापुर की ओर से 10 रुपया इनाम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड सर्विस से गुजारिश है, साउंड से पीछे बच्चे एक लोग हटाइए वहाँ से, इसीलिए तुम्हारा दिल दिमाग काम नहीं करता है, वहाँ पे जो फालतू आदमी बैठा हुए हैं। बेटी जनक नंदिनी मेरी आवाज सुनती हो तो दरबार में हाजिर हो, महाराज का आदेश है, बेटी जनक नंदिनी दरबार में हाजिर हो। तुम तो जानती हो आज माता गौरी का पूजन है, इसलिए हम चाहते हैं कि महिला की सफाई करवा दो, जो मंदिर है उसकी भी ठीक प्रकार से साफ सफाई करके, जब भगवान का धनुष रखा हुआ है उसके भी प्रकार अपने हाथों से साफ करो बेटे। पिताजी मैं अभी साफ सफाई करके आती हूँ। और ये अनुपम भैया जागरण की ओर से 10 रुपया इनाम दे रहे हैं, पार्टी तरफ से हम भाई बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे। महाराज जनक की जय हो। कहो तो अरपाल। महाराज एक ऐसा अचरज देखा है जो कहने में संकोच लग रहा है। तो अरपाल इतना भयभीत क्यों हो रहे हो, आखिर इसका क्या कारण है? महाराज बेटी जनक नंदिनी ने महलों की साफ सफाई करते 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 मंदिरों तक जा पहुंची और मैंने देखा, क्या देखा महाराज, बेटी जनक नंदिनी ने मंदिरों तक जा पहुंची और मंदिरों की साफ सफाई करते 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 जिस धनुष के बारे में आप कभी कभी चर्चा किया करते थे, इस धनुष को कोई योद्धा भी उठाने की दूर बात कोई हिला कर नहीं सकता है, बेटी जनक नंदिनी ने उसी धनुष को फूल के समान उठा लिया है। क्या एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रख लिया है? हमारी पुत्री सीता ने भगवान भोलेनाथ के धनुष को फूल के समान उठा लिया। द्वारपाल वो कोई साधारण धनुष नहीं है, जानते हो कैसा धनुष है द्वारपाल? कि जो धनुष Thank you.
माता ने इस धनुष को फूल के समान उठा दिया। इस बात को सुनकर हम अति प्रसन्न हुए। दरबार और एक घोषणा करते हैं। कौन सी घोषणा करते हैं महाराज? दरबार सुखा सरकार जी भाई, इनकी ओर से 10 रुपया का पुरस्कार चलते हुए सीन पे सुखा जी की ओर से आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जानते कौन सी घोषणा है दरबार? की स्वतंत्र शपथ है यह मेरी, तनुहा तारा पूरण है, तनुहा तारा पूरण है, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता मुझको उसी के साथ करेंगे। इसलिए इस पावन अवसर पर हम अपने पुत्र सीता का स्वयंवर करेंगे। दरबार जाओ, देश देश में मुरादी कर दो, सब तरफ ये मुरादी पहुंचा दो कि विदेह राज की पुत्री सीता का स्वयंवर है। सभी देवता व राजागण को आ रहा है। दरबार हमने सुना है हमारे राज्य में महामुनि विश्वामित्र जी आ पधारे हैं, इसलिए सर्वप्रथम जाओ और जाकर के हमारा निमंत्रण उन तरफ पहुँचाओ। राहुल चौहान मेरी आवाज सुनते हैं कृपया भाई, राहुल चौहान मेरी आवाज सुनते हैं तो सड़क पर चले जाए। राहुल चौहान भाई अपने मम्मी से संपर्क कर ले, तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए भैया, पुरस्कार देने वालों के नाम इस प्रकार से आए हुए हैं। ये आ गई संग्राम सिंह भाई चौकीपुरवा की ओर से 10 रुपया, नरेंद्र चौहान चौकीपुरवा की ओर से 10 रुपया, संतोष सिंह चौहान चौकीपुरवा की ओर से 10 रुपया, अंकुश चौहान चौकीपुरवा की ओर से 10 रुपया, राजकुमार यादव भाई हमारे मणिचा की ओर से ये 10 रुपया भाई लोग पुरस्कार यादव पार्टी के लिए भेजा है। सभी लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? सभी लोगों के बीच में मुनादी कर देना चाहिए। और खुशखबरें देखिए भाई, आप लोगों के बीच में मुनादी की चीज की बीटी जा रही है। देखिए महाराज जनक के वहाँ उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर है, और उस स्वयंवर में कोई भी राजा, कोई राजकुमार, देवता आकर के भाग ले सकता है। महाराज जनक ने प्रतिज्ञा कर डाला है, जो कोई योद्धा भी धनुष को खंडन कर देगा उसी के साथ में महाराज अपने पुत्री सीता का जयमाल कर देंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? एक पत्र लिख करके महामुनि विश्वामित्र के पास ले जाना चाहिए। तुम्हारा कल्याण बच्चा, बोलो तुम्हारा आगमन कहाँ से हुआ? मुनिवर हम जनकपुर से आ रहे हैं, महाराज जनक ने तुम्हारे लिए एक पत्र भिजवाया है। क्या मेरे लिए पत्र? लाओ बच्चा मुझे बता, जाओ तुम्हारा कल्याण। ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप तुम्हारे हाथों में कैसा पत्र ले गए, और ये पत्र कहाँ से आया है? बेटा राम गुरुदेव, ये जो हमारे हाथों में पत्र देख रहे हो, इसके बारे में तुम जानना चाहते हो आखिर ये पत्र कहाँ से आया है? हाँ गुरुदेव, अवश्य बतलाएंगे बेटा राम। जानते हो बेटा,
ये पत्र कहाँ से आया है? कहाँ से दे दे? जनकपुरी से पत्र एक आया है राम रत्ता से अंदर सिया का जनकपुरी दरबार। महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं, वे स्वयंवर ने मुझे आमंत्रित किया है। हे गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी तुम्हारे साथ जनकपुर को चलें। बेटा क्या है? चलो।